ने कंटेंट्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल एज वेल एज एडक्टर कैनाल, जिसको हाइटस वो सबसार्टोरियल या हंटर्स कैनाल कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इट्स बेटर टू हैव अ शॉर्ट लाइफ देन इज फुल ऑफ व्हाट यू लाइक डूइंग देन अ लॉन्ग लाइफ स्पेंड इन अ मिजरेबल वे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिविजन से स्टार्ट करते हैं, फेमोरल ट्रायंगल। ये फेमोरल ट्रायंगल की जो है आपको जो है सबसे पहले आपके उस पर नज़र आ रहा है लैपटॉप्स पे कि एक तो मैंने इसकी सरफेस मार्किंग के हिसाब से डायग्राम ली है और एक जो है वो डिसेक्टेड ली है, ठीक है। सरफेस मार्किंग के हिसाब से अगर आप देख सकते हैं तो आपको ये जो पॉइंट्स लैंडमार्क्स हैं जिसमें इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है, जो इसकी बेस बना रहा है, और जो लेटरल बाउंड्री है वो सार्टोरियस मसल का मीडियल बॉर्डर बना रहा है, और जो मीडियल बाउंड्री है इज फॉर्म बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, ठीक हो गया। ये एक ट्राइंगुलर डिप्रेस्ड एरिया है इन फ्रंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, और बेस इंग्वाइनल लिगामेंट से बन रही है और बाउंड्रीज मसल से बन रही है, और एपिक्स जो है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, और ये जो दो मीडियल और लेटरल बाउंड्रीज आपस में जहाँ मीटिंग पॉइंट है वो उसको कलेक्टिवली जो है ना वो एपिक्स बना रही है, ठीक है। ये आपका जो है वो सरफेस मार्किंग के हिसाब से हो गया, ठीक है। दूसरा जो ये डिसेक्टेड एरिया आप देख सकते हैं तो उसमें आपको नजर आ रहा है बेस जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एंटीरियर सुपर आइलिक स्पाइन, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सार्टोरियस मिल रहा है जो कि एंटीरियर सुपर आइलिक स्पाइन से जा रहा है और मीडियली रन कर रहा है। ये इसकी फेमोरल ट्रायंगल की आपका लेटरल बाउंड्री बनाती है या लेटरल वॉल बनाती है, और सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर, ठीक है। सार्टोरियस मसल है उसका लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर है, तो लेटरल बाउंड्री इज फॉर्म बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस एंड मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल, और ये जहाँ कंसाइडिंग इनका पॉइंट है या मीटिंग पॉइंट है, ये मिलकर जो है इसकी एपिक्स बना रहे हैं और इंग्वाइनल लिगामेंट से इसकी जो है वो बेस बन रही है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इलियोसॉस, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, इलियाकस और सॉस मसल, इनको कलेक्टिवली हम इलियोसॉस कहते हैं। तो ये जो है पहले कैविटी से आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये इसका फ्लोर बना रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आप देख सकते हैं कि एडक्टर लॉन्गस के लेटरल साइड पे जो है ना फेशियल आटा है, ठीक है, टेंसर फेशियल आटा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे वाले मसल्स हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ये सारा का सारा बेटा रेपिटेशन में जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। आज आप थोड़ा सा जो है वो प्लीज़ मेरे साथ जो है साथ साथ चलें, ठीक है, समझने की कोशिश करें। और चूंकि आप लोगों ने पहले ये उसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है और आप लोगों ने बुक्स खोल के इसको पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो आज उसके सिर्फ कंटेंट्स है। कंटेंट्स में वही है फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, फेमोरल नर्व, उसके लिम्फैटिक्स, ठीक है ना, इसी को हम लोगों ने स्टडी करना है और साथ में एडक्टर कैनाल करना है। और जो है अब आप ये आपकी डायग्राम है, ठीक है, मैंने काफ़ी सारी जो है जो बच्चे कह रहे थे फेमोरल शीट, फेमोरल कैनाल, और जो है उसकी डायग्राम्स वो भी मैंने इसमें अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ प्लीज जो मेरा लेक्चर है उसकी साथ साथ आप लोग जो है वो पिक्चर ले लें, जो भी आपने करना है, जिस तरह भी इसको सेव करना है आप साथ साथ इसको सेव करते रहें, ठीक है, तो आपको फिर स्टडी करने में इसको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, फेमोरल नर्व, फेमोरल वेसल इन अ फेमोरल शीट, ठीक है। उसके अलावा आपको इंग्वाइनल लिगामेंट नजर आ रहा है, ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट के बीनीथ ये वेसल जो है ना वो ट्रांसमिट होती हैं। अच्छा जी, अब बाउंड्रीज ऑफ फेमोरल ट्रायंगल, जो कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है कि फेमोरल ट्रायंगल ट्रायंगल डिप्रेस्ड एरिया है, ठीक है, और इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे है, बाउंड्रीज में इंग्वाइनल लिगामेंट सुपीरियरली लेटरली सार्टोरियस मसल, मीडियली एडक्टर लॉन्गस मसल, ठीक है, ओके। बस विद इन मोर 5 मिनट हम लोग जो है ना अपना आज का टॉपिक फेमोरल आर्टरी से स्टार्ट कर देंगे। ये मैं आपको पुराना जो है ना वो बोर्ड डिस्कस कर रही हूँ जब तक कि हमारे पास 130 या 135 स्टूडेंट्स नहीं हो जाते, अभी 127 है। अच्छा जी, अब ये देख रहे हैं आप जो है डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो बाइफिकेट कर गया है इनटू हमारे पास ये है एक्सटर्नल आइलिक वेसल और ये जो इंटरनल वो पेल्विस को सप्लाई करती है, इसी तरह वेन है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है एक
जो क्रॉस कर रही है इंग्वाइनल लिगामेंट के बिहाइंड या बीनीथ, तो फेमरल जो है वो आर्टरी है और फेमरल वेन है. ठीक हो गया. अच्छा जी, आगे चलते हैं. फेमरल ट्रायंगल का जो फ्लोर है वो गटर शेप्ड है, और अगर इसकी हम जो है वो जो है इसके सीक्वेंस को देखें तो लेटरल टू मीडियल इलियोसॉस है, फिर पेक्टिनियस है और अडक्टर लॉन्गस. चूँकि आपको सबको पता है कि मीडियल बॉर्डर बाउंड्री जो है फेमरल ट्रायंगल की वो अडक्टर लॉन्गस बना रहा है, तो इसको हम जो है लेटरल टू मीडियल जो है ना इसके फ्लोर के मसल्स को याद कर लेते हैं. और रूफ जो है वो स्किन फेशिया सुपरफेशियल एंड डीप फेशिया ऑफ द थाई से बनता है. फेमरल ट्रायंगल की जो कंटेंट है उसमें फेमरल नर्व है, उसकी ब्रांचेस हैं फेमरल शीथ है, फेमरल आर्टरीज की ब्रांचेस, फेमरल वेन्स की ट्रिब्यूटरीज हैं और डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड है. ठीक है, फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन, फेमरल शीट के कंटेंट का मतलब फेमरल शीट जो है उसके अंदर है. ठीक है, यानी कि इसके सराउंडिंग में फेमरल शीट है जिसने इसको इनसर्कल किया हुआ है, मगर फेमरल नर्व इसके जो है ना अंदर नहीं आती, वो इसके आउटर साइड पर है. ये बात आपके स्क्रीन पे शो हो रही है जो कि हम लोगों ने पहले भी दिखाई थी मैंने आपको. ठीक है ना, अब इसको आपने वैन से याद करना है, वी ए एन, यानी मीडियली जो है ना वेन है, देन आर्टरी, देन नर्व. आर्टरी और वेन जो है इस ये जो है ना आपको फेमरल शीट के अंदर मिलेंगे. ठीक है, और नर्व जो है ना ये फेमरल शीट से बाहर है. ठीक हो गया. फिर फेमरल शीट है, फेमरल शीट आप देख सकते हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ से गौर करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फेशियाज हैं, फेशिया ट्रांसवर्स सेलिस एंड फेशिया इलियाका जो एब्डोमिनल से प्रोट्यूड कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड इनटू द थाई, और वो फेमरल शीट बना रहे हैं और उन्होंने वेसल्स को इनसर्कल किया हुआ है, और फिर वो कंपार्टमेंट्स बनाते हैं जिसमें लेटरल है, मीडियल है और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है. जो लेटरल कंपार्टमेंट है उसमें फेमरल आर्टरी है, मीडियल में फेमरल वेन है, और सॉरी इंटरमीडिएट में फेमरल वेन है और मीडियल में जो ना लिम्फ है. ठीक हो गया. और अब आप ये देख सकते हैं, ये आपको जिनको लास्ट टाइम जो बच्चे कह रहे थे कि हमें जो है वो फेमरल शीट दिखा दें, ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो है, ठीक है, ये नीचे आपकी ये सारी आप पिक्चर्स ले लें. ठीक है ना, अब आपको फेमरल शीट अच्छे से नजर आ रही है. इलियाकस फेशिया जो है ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है, और पीछे की पोस्टीरियर वॉल बना रहा है. ठीक है, इस तरह फेशिया जो है ना ट्रांसवर्सेलिस इंटीरियर जो है ना बाउंड्री बना रहा है, और यही जो है ना आपकी फेमरल शीट बना रहे हैं. आगे चलते हैं. अब आप इस वाली डायग्राम में देख सकते हैं कि जो है अब आपको नजर आ रही है फेमरल आर्टरी, ठीक है, फेमरल वेन, देन लिम्फेटिक्स जो मीडियल है. अब फेमरल शीट ने फेमरल नर्व को इनसर्कल नहीं किया, आप देख सकते हैं कि फेमरल नर्व जो है ना आउटसाइड द फेमरल शीट है. ठीक हो गया. अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेटरल, मीडियल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में लेटरल में फेमरल आर्टरी है, इंटरमीडिएट में फेमरल वेन है, और मीडियल में हमारे पास लिम्फेटिक है, उसी को हम फेमरल कैनाल कह रहे हैं. और इसकी जो बेस है, अब ये जो ऊपर की साइड पे जहाँ पर इंग्वाइनल लिगामेंट है यहाँ पर हम इसको बेस कहते हैं, ठीक है, फेमरल रिंग कहते हैं फेमरल कैनाल का. ठीक हो गया, आगे चलते हैं. अब आप इस वाली डायग्राम को भी देख लें, जो बच्चों को था कि हमें दिखा दिया जाए, प्लीज बेटा फोकस कर लें अब आप, ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक मैंने स्टार्ट करके उसको जो है वो कम्प्लीट करना है. अब आप ये देख सकते हैं कि ऊपर से ये जो है फेमरल शीट किस तरह हमारे फेशिया से कवर कर रही है और डाउनवर्ड प्रोट्रूड कर रही है और वेसल को इनक्लोज कर रही है. ये इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से फेशिया ट्रांसवर्सेलिस एंड फेशिया इलियाका. फेशिया ट्रांसवर्सेलिस इंटीरियरली आपकी जो है वो वॉल बनाएगा और फेशिया इलियाका पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेमरल शीट बनाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद इनके कंपार्टमेंट्स बनेंगे जहां आर्टरी है वो लेटरल है, इंटरमीडिएट में वेन है, और मीडियल वाले में आप देख सकते हैं कि ना लिम्फ है, ठीक है, और यहाँ कनेक्टिव टिश्यू है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. और ये जो है अब आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था जो बेस है फेमरल कैनाल की इसको फेमरल रिंग कहते हैं, और ये वीकेस्ट पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर फेमरल हर्नियाज हो सकते हैं जो कि आप डिस्कस करेंगे और आपको डॉक्टर नबीला के साथ आप इसको पढ़ेंगे इसके क्लिनिकल्स को. ठीक हो गया, फेमरल रिंग आपको पता चल गया, ठीक है, फेमरल कैनाल पता चल गया, फेमरल शीट पता चल गया, उसके कंटेंट्स पता चल गए. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं कि साथ वाली जो डायग्राम है उसमें इंग्वाइनल लिगामेंट है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि ऊपर से
कैसे ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस नीचे आ रहा है और इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से होता हुआ, ठीक है, ये एक जो है वो शीट बना रहा है। और यहाँ पर आपको फेमरल केनाल नजर आ रहा है जिसमें लिम्फ नोड है और लिम्फेटिक्स हैं, ठीक है। अच्छा, बेटा प्लीज अकील, फेमरल ट्रायंगल का एपिक्स जो है वो मैंने लास्ट टाइम भी बहुत डिटेल में बताया, अभी भी मैंने बताया, तो प्लीज आप लोग जो मेरी ये है प्रेजेंटेशन उसकी जो है वो पिक्चर भी लिया करें साथ साथ, और एक दफा आप लोग बुक खोल के जो है वो उसको स्टडी करें खुद से, ठीक है ना। बताने को तो मैं यहाँ जो है बता दूंगी आपको, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। तो मकसद ये है कि हम लोगों ने अपना जो टॉपिक है वो कवर करना है, ठीक है ना। हमारे पास एडक्टर कैनाल है, और ये तो बेटा मैं पिछले लेक्चर का आपको सारा रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि चूंकि अभी तक 137 स्टूडेंट्स हैं, 140 नहीं हुए, तो और हमारे पास टाइम जो है वो तकरीबन 17:10:17 हो गए। तो फेमरल ट्राइंगल की एपिक्स जो है वो प्लीज आप स्टडी करें, ठीक है ना। उसको अब आप लोगों ने पिछले लेक्चर को स्टडी करना है, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जो मैं इंटरेक्टिव लूंगी आपसे, ठीक है। अब आज 138 हो गए, तो मेरा ख्याल है अब हमें जो है ना नेक्स्ट अपना जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं, एक और मैंने पिक्चर ये देख सकते हैं आप अपनी उस पे, कि ये फेमरल शीट है, फेमरल शीट में फेमरल वेसल्स हैं, लेटरल फेमरल आर्टरी है, देन वेन है, देन फेमरल रिंग है। और अगर लास्ट टाइम लास्ट में हमारे पास टाइम होगा तो मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा जो आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर, जो कि बेटा फिर भी मैंने आपको अपना पुराना जो है उसको रिपीट किया है, तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा आप बुक्स भी खोल लिया करें, ठीक है ना, बुक से भी खोल के पढ़ने की कोशिश करें। अच्छा जी, हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, एक घंटा होता है, तो उसमें हम लोगों ने अपना जो है वो टॉपिक कवर करना होता है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ बुक्स खोल के स्टडी किया करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप लोग पीछे रह जाएंगे, ठीक है। और लास्ट के मिनट पे और लास्ट के टाइम पे फिर आपसे जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। ये एक और डायग्राम, मैंने मैक्सिमम डायग्राम्स जो है ना वो आज आपको दिखा दी हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी आपकी बुक की डायग्राम है, कोई मैंने जो है वो नेट से नहीं ली है, ठीक है, अलहदा से कुछ नहीं है। फेमरल शीट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कैसे वो सराउंड कर रही है, कंपार्टमेंट्स कैसे होते हैं फेमरल शीट के, फेमरल केनाल भी हम लोगों ने पढ़ा, ये देख सकते हैं आप अपने उस पे लैपटॉप पे कि किस तरह फेमरल केनाल है, ठीक है। फेमरल रिंग भी मैंने आपको बताया कि किस तरह बनता है, मीडियल कंपार्टमेंट है, ठीक है, और इसमें लिम्फ होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, मतलब 0.5 इंचेस लॉन्ग है, और इसकी अपर ओपनिंग को फेमरल केनाल के फेमरल रिंग कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, फेमरल हर्निया जो है ये आप डिटेल में डॉक्टर नबीला के साथ पढ़ेंगे, इसके रिलेशंस मैंने भी पढ़ा दिए थे आपको, ठीक है। फेमरल आर्टरी, चूंकि आज का हमारा टॉपिक जो है फेमरल आर्टरी है उसको डिस्कस करेंगे, जितने भी कंटेंट्स हैं प्लीज़ ज़रा फोकस हो जाएं, ठीक है, और काइंडली लेक्चर ख़त्म होने के बाद इसको एक दफ़ा स्टडी कर लिया करें, रीड कर लिया करें, आपके लिए इसका जो है वो बेनिफिशियल हो जाएगा। फेमरल आर्टरी क्या है? फेमरल आर्टरी एक वेसल है जिसमें से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे लोअर लिम को सप्लाई होगा। अब आप देख सकते हैं कि फेमरल आर्टरी कहाँ से आ रही है, अभी मैंने आपको डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा में बाइफर्केशन दिखाई इंटरनल आइलिक और एक्सटर्नल आइलिक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम पे एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी जो है ना इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से जो है वो पास की है, ठीक है, और एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी का नाम चेंज होके है फेमरल आर्टरी बन गया, ठीक है। फेमरल आर्टरी जो है इसकी सबसे लार्जेस्ट ब्रांच जो है प्रोफंडा फेमरस आर्टरी, जो कि ये अपने लेटरल साइड पे देगा, ठीक है ना। अब आपकी ये देख सकते हैं, ये वाली डायग्राम को लगाने का यही मकसद है कि आप प्लीज काइंडली जरा फोकस हो जाएं। एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से ये पास करेगी तो फेमरल आर्टरी बन जाएगी, ठीक है बेटा, और उसके बाद ये लेटरल साइड पे जो है ना प्रोफंडा फेमरस आर्टरी देगी, ठीक है। अब प्रोफंडा फेमरस आर्टरी की फर्दर अपनी ब्रांचेज है जो कि परफोरेटिंग ब्रांचेज हैं 4, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा असेंडिंग ब्रांच, ट्रांसवर्स ब्रांच, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, ये आप देख रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि फेमरल आर्टरी की और कौन सी ब्रांचेज हैं। फेमरल आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं वो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी है, ठीक है। लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी आपको मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी,
The funda femoris artery is the largest branch of the femoral artery. Then we have muscular branches. ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास आर्टिकुलर ब्रांच भी है. ठीक है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्ट्री. ठीक है, ये भी हमारे पास, ये टर्मिनल ब्रांच ऑफ द फेमरल आर्ट्री है. अच्छा जी, अब आप यहाँ इस वाली डायग्राम में देखें कि एब्डोमिनल एओटा जो है, डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओटा, ठीक है, वो आइलिक आर्ट्री में बाइफिकेट करता है. आइलिक आर्ट्री जो है फिर जो है वो स्प्लिट हो जाती है इंटरनल आइलिक आर्ट्री एंड एक्सटर्नल आइलिक आर्ट्री. इंटरनल आइलिक आर्ट्री जो है वो पेल्विक कैविटी को सप्लाई करेगी और एक्सटर्नल आइलिक आर्ट्री जो है वो सप्लाई करेगी लोअर लिम. ठीक है, और जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट को वो क्रॉस करेगी इसके बीनीथ, तो ये फेमरल आर्ट्री बन जाएगी. ठीक है, फेमरल आर्ट्री बनने के बाद वो सबसे बड़ी अपनी लेटरल साइड पे लार्जेस्ट ब्रांच देगी जिसको हम प्रोफंडा फेमरस आर्टरी कहते हैं. ठीक है, उसके अलावा ये लेटर सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी देगी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी देगी. ठीक है, और हमारे पास परफोरेटिंग आर्टरीज और आर्टिकुलर आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी. ठीक है, इसकी ब्रांचेज हो जाएंगी. अच्छा जी, अब हम इसको जल्दी से यहाँ से देख लेते हैं. डायग्राम से आपको मैंने समझा दिया. द फेमरल आर्टरी एंटर्स द थाई फ्रॉम बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी. हियर इट लाई मिडवे बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंड द प्यूबिक सिम्फिसिस. यानी ये इसका सारा का सारा कोर्स है और आपने एज इट इज इसको ऐसे ही याद करना है कि इस ये मिडवे जो है ना पास करी एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान में से. यानी ये किसका जो लैंडमार्क है, इधर से ये पास करेगी. इट डिसेंड ऑलमोस्ट वर्टिकली टूवर्ड्स द एडक्टर टूबर्कल ऑफ द फीमर. और ये डिसेंड करेगी वर्टिकली और एडक्टर टूबर्कल ऑफ द फीमर तक एंड एंड्स एट ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस. अब एडक्टर मैग्नस जो मसल है उसके अंदर ओपनिंग है. ठीक है, और फिर वहां से जो है ना ये अपने आप को इसका नाम चेंज हो जाएगा और ये पॉपलीटियल एरिया में चली जाएगी, पॉपलीटियल स्पेस में, एज पॉपलीटियल आर्टरी. ठीक है, इट डिसेंड ऑलमोस्ट वर्टिकली टूवर्ड्स द एडक्टर टूबर्कल ऑफ द फीमर एंड एंड्स एट द ओपनिंग in the adductor magnus muscle by entering the popliteal space as the popliteal artery. yani ki anterior se ye phir jab popliteal space pe jayegi aur ye adductor magnus mein opening se ye guzregi aur popliteal space mein jayegi, yani iska jo root hai wo anterior to posterior hai. theek hai, ye adductor magnus ki opening se jab ye popliteal space mein posteriorly pahunchegi to iska naam popliteal artery ho jayega. theek hai na, uske baad iske beta relations hai. relations mein hamare paas anteriorly in the upper part of its course it is superficial and is covered by skin and fascia. in the lower part of its core it pass behind the sartorius muscle. theek hai, upper part mein ye superficial hai. theek hai, aur lower part mein jo hai na it pass behind the sartorius muscle ke just piche hai. acha, ab ye posterior relation mein the artery lies on the sos pe ye lie karti hai which separated from the hip joint the pectineus and the adductor longus. isko ye separate kar rahi hoti hai, sos pe ye lie karti hai. The femoral vein intervene between the artery and the adductor longus. ठीक है, medially it is related to the femoral vein. ठीक है, अब जैसे आपको पता है femoral artery का जो ताल्लुक है medially femoral vein के साथ है. ठीक है, laterally जो है ना वो femoral nerve के साथ है, उसकी branches के साथ है. ठीक है, अब जो कि हमने पहले ही diagram में इसकी branches मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी हैं. femoral artery की जो branches है वो superficial circumflex iliac artery is a small branch that run up to the region of the anterior superior iliac spine. yani ki superficial circumflex iliac artery ek small branch hai jo ki run karegi upward theek hai anterior superior iliac spine tak. the superficial epigastric artery is a small branch that cross the inguinal ligament. ab ye superficial epigastric artery small branch hai jo cross karegi inguinal ligament ko and runs to the region of the umbilicus tak jayegi. theek hai, bahut important hai femoral artery, please focus kar le. theek hai, book khol ke padhna shuru kare. ठीक है, एक सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी होगी, दूसरी ब्रांच सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी है. देन वी हैव सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी इज अ स्मॉल ब्रांच दैट रन मीडियली टू सप्लाई द स्किन ऑफ द स्क्रॉटम मेल में और लेबिया मेजर्स फीमेल में. यानी ये तीन हो गई यहाँ तक इसकी ब्रांचेस. फिर हमारे पास आ जाती है, ये सारी की सारी जो है ना सुपरफिशियल थी तीन फेमरल आर्टरी की. फिर हमारे पास आ जाती है द डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी रन मीडियली एंड सप्लाई द स्किन ऑफ द स्क्रॉटम. अब इसने किसको सप्लाई करना है, स्किन ऑफ द स्क्रॉटम को. ठीक हो गया,
सुपरफिशियली भी स्किन ऑफ द स्कॉटम मेल में और लेबियम मेजर जो है ना फीमेल में. इसी तरह डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी जो है इसने भी मीडियली सप्लाई करना है स्किन में स्कॉटम की और लेबियम मेजर जो है फीमेल्स में. द प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी इज द लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच, जो कि मैंने आपको पहले बताई है कि ये सबसे बड़ी ब्रांच है और इम्पॉर्टेंट ब्रांच है. और ये जैसी लिंगुअल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो ये लेटरल साइड पर अपने जो है फर्स्ट ब्रांच देती है जो कि लार्जेस्ट है, उसको हम प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी कहते हैं. ठीक है, द प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी इज अ लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच दैट अराइजेस फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द फेमोरल आर्टरी, जो कि अराइज करेगी लेटरल साइड ऑफ द फेमोरल आर्टरी से अबाउट 1.5 इंचेस. ठीक हो गया, बिलो द इंग्वायन लिगामेंट, ताकि यानी कि इतना डिस्टेंस जो है ना इंग्वायन लिगामेंट से नीचे 1.5 इंच नीचे ये जो है ना अपनी लार्जेस्ट ब्रांच देगी. इट पास, अब ये सारा का सारा इसका कोर्स है प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी का. इट पास मीडियली बिहाइंड द फेमोरल वेसल्स, अब ये फेमोरल वेसल्स के पास करेगी मीडियल और इसके बिहाइंड एंड एंटर द मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. और ये जो है ना पहले लेटरल होगी ना, यानी कि इंग्वायनल लिगामेंट से 1.5 इंचेस बिलो ये एक लार्जेस्ट ब्रांच देगी फेमोरल आर्टरी प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी. ठीक है, लेटरली उसके बाद ये पास करेगी मीडियली, ठीक है, बिहाइंड द फेमोरल वेसल्स के पीछे, ठीक है, एंड एंटर द मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई. और ये मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को एंटर कर जाएगी. इट एंड्स बाय बिकमिंग द फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरीज, उसके बाद इसने जो है अपने आप को एंड अप करना है. कैसे एंड अप करेगी कि फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरीज जो है ना उसमें ये डिवाइड हो जाएगी. एट इट्स ओरिजिन इट गिव ऑफ द मीडियल एंड लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इसकी ओरिजिन पे ये देगी मीडियल साइड पे और लेटरल साइड पे फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज. ठीक है, एंड ड्यूरिंग इट्स कोर्स इट गिव ऑफ थ्री परफोरेटिंग आर्टरीज. ओके, ये आप देख सकते हैं एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, ठीक है, जो कि इंग्वायनल लिगामेंट के बीनीथ जाएगी और फिर ये चेंज हो जाएगी इनटू फेमोरल आर्टरी और तकरीबन इंग्वायनल लिगामेंट्स 1.5 सेंटीमीटर नीचे है तो लेटरल साइड पे एक प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी. ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपको नजर आ रही है. ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि एक लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है और मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है. ठीक है, उसके ओरिजिन के फौरन जस्ट नीचे, यहाँ पर यही आपने पढ़ा ना, एट इट्स ओरिजिन इट गिव ऑफ मीडियल एंड लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज. ठीक है, ओरिजिन के फौरन बाद ये अपनी मीडियल लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरीज दे रहा है और एंड अप कर रहा है फोर परफोरेटिंग आर्टरीज, यानी कि परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ द प्रोफंडा फेमोरस आर्टरीज. ठीक है, चार ब्रांचेस देगा. उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आगे मूव करते हैं हम फिर. ये फेमोरल आर्टरी को मैंने आपको बताया कि ये जो फेमोरल आर्टरी है ये एडक्टर मैग्नस में जो ओपनिंग है एंटीरियर से इसका कोर्स पोस्टीरियर जाएगा. ठीक है, और पॉपलीटियल स्पेस में ये सप्लाई करेगी एज अ पॉपलीटियल आर्टरी. अच्छा जी, द डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी इज अ स्मॉल ब्रांच दैट अराइजेज फ्रॉम द फेमोरल आर्टरी. और डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी एक स्मॉल ब्रांच है जो कि अराइज करेगी फेमोरल आर्टरी से अपनी टर्मिनेशन से पहले पहले. ओके, इट असिस्ट इन सप्लाइंग द नी ज्वाइंट को ये सप्लाई करेगी. अब ये बेटा जितनी भी आपने फेमोरल आर्टरी की ब्रांचेज है सुपरफिशियल और डीप, ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, इसमें कौन सी लार्जेस्ट है, कौन सी ज्वाइंट को सप्लाई कर रही है. ठीक है, सुपरफिशियल सर्कम ये लिखने को आ जाता है कि इसकी ब्रांचेस के नाम लिखे. ठीक है, और किस किस को सप्लाई कर रही है. ठीक हो गया, फेमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन जो है ये भी डॉक्टर नबीला के साथ आप करेंगे. हम फिर आगे चलते हैं फेमोरल वेन. हमारी फेमोरल आर्टरी जो है उसके बाद आ जाती है फेमोरल वेन, जिसने फेमोरल शीट के इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट को ऑक्यूपाई किया है. ठीक है, द फेमोरल वेन एंटर्स द थाई बाय पासिंग थ्रू द ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉपलीटियल वेन. अब आपको पता है कि वीनस सारा का सारा सिस्टम नीचे से ऊपर आ रहा होता है, तो फेमोरल वेन ने एंटर करना है थाई में जब ये पास करेगा थ्रू द ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस, यानी कि एडक्टर मैग्नस में जो ओपनिंग्स हैं. ठीक है, वहां से ये पास करके ऊपर आएगी फेमोरल वेन. ठीक है,
और एडक्टर मैग्नस में जब ये एंटर होगी उससे पहले ये वाली जो वेन थी इसका नाम पपलीटियल वेन है। जैसे ही एडक्टर मैग्नस की ओपनिंग से पास करके एंटर होगी और इसका नाम पपलीटियल वेन से फेमरल वेन जो है चेंज हो जाएगा और ये एंटर हो जाएगी थाई में, ठीक है। उसके बाद कोर्स इट असेंड थ्रू द थाई lying at first on the lateral side of the artery, सबसे पहले ये artery की lateral side पे होगी, then posterior to it, फिर उसके posterior चली जाएगी and finally on its medial side, यानी कि जैसे ही thigh में enter होगी पहले lateral होगी फिर posterior होगी फिर finally अपनी final destination attain कर लेगी which is medial side of the मतलब artery, femoral artery के medial side पे। मगर जब हम femoral sheet की बात करेंगे तो उसके compartment के intermediate में होगी, ठीक है। तो पहले इसकी दोनों चीजों को आप जो फर्क है ना वो आप क्लियर आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा फोकस कर रही हूँ, बुक खोलें उसको स्टडी करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं इसी लेवल पे क्लियर हो जाएं, ठीक है। और लोअर लिम जो है वो बहुत इजी है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि लोअर लिम जो है वो बहुत ईजी है, तो प्लीज़ इसको साथ साथ जो है ना डायग्राम्स को देखते जाया करें और उसी से बहुत चीज़ें आपको बेटा क्लियर हो जाएंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ साथ जो लेक्चर है उसकी भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे उसको आपने सेव करना है वो सेव करते जाएं, ठीक है। कोई मुश्किल हो तो उसमें से आप दोबारा से देख लें, क्योंकि मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है ना हर चीज़ का कोशिश करती हूँ कि एक एक चीज़ जो है ना वो आपको कवर करा दूँ, कोई चीज़ लेफ्ट ओवर ना रह जाए इसमें, ठीक है। यहाँ तक हो गया कि फेमरल वेन किस तरह मीडियल साइड पर आ गई, फिर इट लीव द थाई इन द इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट ऑफ द फेमरल शीट, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि इसने इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट ऑफ द फेमरल शीट को भी जो है ना उस तरह से पास करना है और ये फिर इंग्वाइनल लिगामेंट से के पीछे से गुजरती हुई, ठीक है, तो इसका ये फिर बन जाएगी एक्सटर्नल आइलिक वेन, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये वाली है, ठीक है, ये सारा का सारा इसका है फेमरल वेन का, ठीक है। और फिर उसके बाद इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से होती हुई एक्सटर्नल आइलिक वेन में ही कन्वर्ट होगी, ठीक है। और कैसे फेमरल पॉपलीटियल वेन जो है एडक्टर मैग्नस को क्रॉस करेगी, ठीक है, और फेमरल वेन बन जाएगी और फेमरल आर्टरी के मीडियल साइड पे पड़ी होगी और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट ऑफ द फेमरल कैनाल में होगी और फिर ये इस कैनाल को भी जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से लीव कर जाएगी और बन जाएगी एक्सटर्नल आइलिक वेन, ठीक है ना, ओके। और आप देख सकते हैं कि आर्टरी ही को कॉरिस्पॉन्ड कर रही होती है वेन्स, जिस तरह आर्टरी का था, ठीक है, उसी तरह ये वेन्स की भी डायग्राम है। अच्छा जी, अब आपकी ये देख सकते हैं कि फेमरल वेन है ये, ठीक है, ये किस तरह अडक्टर मैग्नस की ओपनिंग से यानी कि पॉपलीटियल जो वेन थी वो अडक्टर मैग्नस से एंटर हुई, जो कि अभी हमें यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो जो है वहां से एंटर हुई और ये इसका नाम पॉपलीटियल वेन से चेंज हो गया फेमरल वेन। सबसे पहले इस ये फेमरल वेन जो है फेमरल आर्टरी के लेटरल होगी, फिर फेमरल आर्टरी के पोस्टीरियर होगी, देन इट बिकम मीडियल टू इट, ठीक है, और उसके बाद ये अपने कंपार्टमेंट में चली जाएगी जो कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है फेमरल वेन का, फिर इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से ये एक्सटर्नल आइलिक वेन बन जाएगी, ओके। फिर अब आप यहाँ देख सकते हैं कि और आपको यहाँ नजर आ रही ग्रेट सेफनेस वेन भी आपको नजर आ रही है, ठीक है, आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, अब फेमरल वेन की जो ट्राइबटेरीज हैं आर ग्रेट सेफनेस वेन है, ठीक है, एंड वेन्स दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द ब्रांचेस ऑफ द फेमरल आर्टरी, वही फेमरल आर्टरी की जो ब्रांचेस है जो उसको कॉरेस्पॉन्ड करती हैं वेन्स उसी तरह हैं, ठीक है, एंड द सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक वेन, द सुपरफिशियल एपिगेस्टिक वेन, द एक्सटर्नल पुडेंडल वेन ड्रेन इनटू द ग्रेट सेफनेस वेन, यानी कि सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक वेन, एपिगेस्टिक वेन, एक्सटर्नल पुडेंडल वेन सारी की सारी ड्रेन करेंगी किसमें, ग्रेट सेफनेस वेन में, इसकी ट्रेबिटरीज जो है, ठीक है। फेमरल वेन कैथेटराइजेशन ये भी डॉक्टर नबीला के साथ आप जितने भी क्लिनिकल्स हैं उनके साथ करेंगे, ठीक है, और शायद आई होप सैटरडे को वो करवाएंगी, ठीक है। और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो ये जो मैंने अपनी स्लाइड्स बनाई हैं तो मैं इसको कोशिश कराऊंगी कि ये भी आपको जो है ना फेमरल आर्टरी और फेमरल वेन की कैथेटराइजेशन वो बता दूँ।
मगर जो है चूंकि हमारे पास अपना बहुत टॉपिक कवर करने वाला है तो पहले उसको फोकस कर लेते हैं, जब हमारे पास टाइम होगा तो हम उसको जो है ना एक दफा देख लेंगे। सला आवाज आ रही है आपको मेरी अब सही? हेलो, अब क्लियर आ रही है, स्लो आ रही है, कैसी आ रही है? जी बेटा क्लिनिकल सारे इंक्लूड होते हैं, जो जो आपका टॉपिक होता है आप तो अब लास्ट उस पे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट आपका जो है वो कोर्स एंड अप होने वाला है, तो जो जो हम लोगों ने सब स्टेजेस की थी साथ साथ उसके क्लिनिकल्स होते हैं, ठीक है? ओके अच्छा जी, लिम्फ नोड। अब हमारे पास जो फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा रह गया टॉपिक इसे कंटेंट्स का? ठीक है, फेमरल आर्टरी कर ली, फेमरल वेन कर ली, देन वी हैव लिम्फ नोड। लिम्फ नोड ऑफ द एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, द डीप इंग्वाइन लिम्फ नोड आर वेरिएबल नंबर बट दे आर कॉमनली थ्री। ठीक है, अब जो डीप इंग्वाइन लिम्फ नोड है वो वेरी करते हैं मगर कॉमनली जो ज्यादा लोगों के अंदर है वो तीन है। दे लाई अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द फेमरल वेन, यानी कि फेमरल वेन के मीडियल साइड पे ये पाए जाते हैं। एंड द मोस्ट सुपीरियर इज यूजली लोकेटेड इन द फेमरल कैनाल में, और ज्यादा आपके फेमरल कैनाल में पड़े हुए हैं और वो मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, यूजली कहाँ पड़े हुए? फेमरल कैनाल में। दे रिसीव ऑल द लिम्फ फ्रॉम द सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड, ये सारा का सारा सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड से लिम्फ रिसीव करते हैं वाया लिम्फ वेसल दैट पास थ्रू द क्रिब्रिफॉर्म फेशिया ऑफ द सेफनस ओपनिंग से। दे ऑल्सो रिसीव लिम्फ फ्रॉम द डीप स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर लिम्फ के स्ट्रक्चर से भी ये लिम्फ रिसीव करेंगे दैट हैव ascend in lymph vessel alongside the arteries, some having passed through the popliteal nodes, ठीक है, the efferent lymph vessel from the deep inguinal node ascend into the abdominal cavity through the femoral canal and drain into the external iliac node। ये सारा का सारा इसका कोर्स है, ठीक है, इसको आपने बुलेट्स की फॉर्म में याद करना है, वैसे कर लें स्टोरी की फॉर्म में, मैंने स्टोरी की फॉर्म में जो है ना वो आपको यहाँ बता दिया है कि लिम्फ नोड जो है ना इंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में हमारे पास डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो कि वेरिएबल और मेनली जो है वो तीन है, और ये आपके जो है ना फेमरल कैनाल में, और किस किस जगह से ये रिसीव करते हैं लिम्फ और अल्टीमेटली ये ड्रेन करते हैं इंटू एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड में। ठीक है, ये डायग्राम है डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड की, ठीक हो गया, और सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड की, ठीक हो गया, ये डायग्राम। फेमरल नर्व, द फेमरल नर्व इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द लंबर प्लेक्सस, रूट वैल्यू इज L2, L3 एंड L4। इट इमर्जेस फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द सॉस मसल, ठीक है, विद इन द एब्डोमेन, यानी कि सॉस मसल के लेटरल बॉर्डर से ये इमर्ज करेगा एब्डोमेन में एंड पास डाउनवर्ड इन द इंटरवल बिटवीन द सॉस एंड इलियकस, और ये नीचे जाएगा और किसके दरमियान से? सॉस और इलियकस मसल के दरमियान से। इट लैज बिहाइंड द फेशिया इलियका, उसके पीछे है एंड एंटर्स द थाई लेटरल टू द फेमरल आर्टरी के लेटरल पड़ा होता है एंड फेमरल शीट। ठीक है, ये सब कुछ ईजी है जो कि हम लोगों ने पहले कई दफा डिस्कस कर लिया है, ये साथ साथ इसका कोर्स है। ठीक है, ओरिजिन आपको पता होनी चाहिए कि लंबर प्लेक्सस से रूट वैल्यू L2, L3, L4 है। ठीक है, सॉस मसल के लेटरल बॉर्डर से इमर्ज करता है एब्डोमेन में, पास करता है डाउनवर्ड, और किस मसल के दरमियान? सॉस और इलियकस मसल के दरमियान। ठीक है, इट लाइज बिहाइंड द फेशिया इलियका के पीछे होता है एंड एंटर्स द थाई लेटरल टू द फेमरल आर्टरी के लेटरल पड़ा है। ठीक है, और सबको पता है कि फेमरल आर्टरी के लेटरल पड़ी होती है फेमरल नर्व, और ये सारे के सारे जो कंटेंट है फेमरल ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बिहाइंड से ये पास करते हैं। अबाउट 1.5 इंचेस बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट इट टर्मिनेट बाय डिवाइडिंग इनटू इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, तकरीबन 1.5 इंच इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे फेमरल नर्व डिवाइड हो जाती है इंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में। ठीक है, और फेमरल नर्व सप्लाई करती है सारे मसल इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के। ठीक हो गया बेटा जी, ये हमारे पास ब्रांचेस है इंटीरियर डिवीजन, ठीक है, और पोस्टीरियर डिवीजन। इंटीरियर डिवीजन जो है ना टू क्यूटेनियस टू मस्कुलर ब्रांचेस देती है। ठीक है, जो द क्यूटेनियस ब्रांचेस आर द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जो सप्लाई करती है स्किन ऑफ द मीडियल इंटीरियर सर्फेस ऑफ द थाई को। ठीक है, द मस्कुलर ब्रांचेस सप्लाई द सर्टोरियस एंड पेक्टिनियस। इस तरह पोस्टीरियर डिवीजन जो है ना गिव ऑफ वन क्यूटेनियस ब्रांच द सेफनस नर्व एंड मस्कुलर ब्रांचेस टू द क्वाड्रिसेप मसल। द सेफनस नर्व
run downward and medially and cross the femoral artery from its lateral to its medial side. ये इसका course है. It emerge on the medial side of the knee between the tendon of the sartorius and gracilis. It then run down the medial side of the leg. ठीक है. In company with the great saphenous vein. ठीक हो गया. बस यहाँ तक ही, क्योंकि बाकी जो है वो leg का part है. आपने सिर्फ अभी थाई तक करनी है इसकी डिवीजन, कि एंटीरियर डिवीजन में किस तरह वो स्प्लिट होती है, पोस्टीरियर डिवीजन में किस तरह स्प्लिट होती है. उसके अलावा मस्कुलर ब्रांचेस जो है वो रेक्टस फेमरस को भी सप्लाई कर रही है. ठीक है, वो हिप जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है. और द ब्रांचेस टू द थ्री वास्टर मसल्स ऑल्सो सप्लाई द नी ज्वाइंट. ठीक हो क्या, हिप ज्वाइंट और ये सारी. अच्छा जी, मसल ऑफ एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ये आपका जो है टॉपिक. डॉक्टर नबीला ने उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने मसल ऑफ एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई बच्चों को करा दी, मगर ये जो हमारे पास है आपके उस पर नज़र आ रहा है, तो मैं इसके मसल्स के नाम बता दूँ आपको. पता होने चाहिए, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि सार्टोरियस है, ठीक है, इलियकस है, सॉस है, पेक्टीनियस है, रेक्टस फेमरस. अभी क्वाड्रिस फेमरस में हमारे पास रेक्टस फेमरस है, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस. आई रिपीट, मसल ऑफ इंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में हमारे जो मसल का टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, रूट वैल्यू और एक्शन याद कर लें. ठीक है, उसमें सार्टोरियस, इलियकस, सॉस, पेक्टीनियस और जो क्वाड्रिस फेमरस, क्वाड्रा मीन फोर, तो उसमें रेक्टस फेमरस, वास्टस लेटरलिस, मीडियलिस और इंटरमीडियस. इसके ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, रूट वैल्यू और एक्शंस आपको याद होने चाहिए. बेटा ये आपकी डायग्राम शो हो रही है, इसमें आप देख रहे हैं रेक्टस फेमरस है, वास्टस लेटरलिस है, मीडियलिस है और रेक्टस फेमरस के जस्ट नीचे इंटरमीडियस है. ठीक है, आगे चलते हैं. ये सारी की सारी डायग्राम आपको शो हो रही है. ठीक है, किस तरह ये इसकी रूट वैल्यू जो है फेमरल नर्व की, आपने देखा L2, L3 एंड L4. ठीक है, अब आप ये देखें फेमरल वीन, सॉरी नर्व जो ना L2, L3, L4 लेवल से आ रही है और फेमरल नर्व बना रही है L2, L3, L4. ठीक है, और किस तरह आपकी ये फेमरल नर्व जो है वो अपने रूट वैल्यू ले रही है. फिर हमारे पास आ जाती है ऑब्टुरेटर नर्व, उसकी भी रूट वैल्यू. ठीक है, किस तरह ये मसल के ऊपर जा रही है और किस तरह ये इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से जो है ना, और किस तरह ये सारे के सारे नर्व सप्लाई दे रही है पूरे के पूरे एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स को. ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लें कि ये आपको सबसे लेटरल साइड पे फेमरल नर्व नजर आ रही है और इसकी डिविजन है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन. ठीक है, आगे चलते हैं. ये सारे के सारे मसल्स मैंने आपको दिखाए, मसल ऑफ इंटीरियर थाई, फ्लेक्सर्स ऑफ हिप ज्वाइंट. ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह वास्टस इंटरमीडियस की ओरिजिन, इंसर्शन है, रेक्टस फेमरस की, लेटरलिस, मीडियलिस, इंटरमीडियस की. प्लीज इसकी जो है ना, आप इसको इस क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन को सेव कर लें, आपको बहुत हेल्प करेगी. ठीक है, ये सारे के सारे मसल एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट के, ठीक है, जिसके अभी मैंने सारे नाम बताए आपको. ये सारे मसल्स हैं, किस तरह फेमरल नर्व है, ठीक है, वो कैसे सप्लाई करी, कैसे वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो रही है. ठीक है, और कैसे आपके सारे एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं. मसल ऑफ मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट, मसल ऑफ मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट जो, उसके भी मसल आपको डॉक्टर नबीला ने कराया. मैं जस्ट नाम बताऊंगी, ग्रेसिलस, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेवस, अडक्टर मैग्नस, ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस. ठीक है, अब नेक्स्ट जब हमारा ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और जब हमारी सब्सिडीज से पहले एक रिवीजन का होता है, उसमें फिर जो आपने मसल्स दोबारा से मुझसे पूछने होंगे तो उसमें हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जो कि आपने डॉक्टर नबीला के साथ किए. तो मैं भी आपको जो है ना वो एक दफ़ा दोबारा से बता दूंगी, मगर चूँकि हमारे पास हम शॉर्ट ऑफ टाइम पर हैं तो हम लोगों ने और भी चीज़ें कवर करनी है, तो प्लीज़ आप बुक खोलिए. ठीक है, चूँकि उन्होंने आपको ये स्टडी करवा दी है, उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, रूट वैल्यू और एक्शंस याद करना शुरू करें. ठीक है, मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट के जो मसल हैं वो ग्रेसिलस है, अडक्टर लॉन्गस, ब्रेवस, मैग्नस और ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस है. बेटा ये सारे के सारे मसल्स की जो डायग्राम है ये मैंने आपके लिए अपलोड की है, इसमें अडक्टर लॉन्गस है, ब्रेवस है और अडक्टर मैग्नस है. ठीक है ना, ग्रेसिलस है,
ब्लड सप्लाई ऑफ मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई. चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जो मेन ब्लड सप्लाई है प्रोफंडा फेमरस आर्टरी. प्रोफंडा फेमरस आर्टरी जो लार्जेस्ट ब्रांच है फेमरल आर्टरी की, लेटरल साइड से अराइज होती है, उसके बाद वो फेमरल आर्टरी के पीछे चली जाएगी और फिर वो मीडियल साइड पे जाके मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल को सप्लाई करेगी. ठीक है, इट्स अ लार्ज आर्टरी दैट अराइज फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द फेमरल आर्टरी इन द फेमरल ट्रायंगल अबाउट 1.5 इंचेस बिलो द इंग्वाइन लिगामेंट. इट डिसेंड इन द इंटरवल बिटवीन द एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर ब्रेविस एंड देन लाय ऑन द एडक्टर मैग्नस. ठीक है, इसका ये कोर्स है. फिर उसके बाद ये लाई करेगी एडक्टर मैग्नस पे, वेर इट एंड एज फोर परफोरेटिंग आर्टरीज, और फिर इसके बाद में ये अपने आप को एंड कर लेगी चार परफोरेटिंग आर्टरीज में. ठीक है, जो कि मैंने इसकी डायग्राम आपको सबसे पहले दिखाई थी. इसकी ब्रांचेस में मीडियल फेमरल सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, लेटरल फेमरल सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, और इसकी जो है चार परफोरेटिंग आर्टरीज, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया. फिर प्रोफंडा फेमरस वेन जो है, ठीक है, प्रोफंडा फेमरस वेन रिसीव ट्राइब्यूटरीज दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी, इट ड्रेन इनटू द फेमरल वेन. ओके, देन ऑब्टुरेटर वेसल, ऑब्टुरेटर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है. इट पास फॉरवर्ड ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस एंड अकंपनीज द ऑब्टुरेटर नर्व थ्रू द ऑब्टुरेटर कैनाल. ओके, ऑन एंटरिंग द मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई इट डिवाइड इनटू मीडियल लेटरल ब्रांचेस. इसने भी मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट में एंटर होना है और डिवाइड हो जाना है मीडियल और लेटरल ब्रांचेस में. विच पास अराउंड द मार्जिन द आउटर सर्फेस ऑफ द ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन, इट गिव ऑफ मास्कुलर ब्रांचेस एंड एन आर्टिकल ब्रांच टू द हिप जॉइंट. फिर ऑब्टुरेटर वेन रिसीव ट्राइब्यूटरीज दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी, इट ड्रेन इनटू द इंटरनल आइलिक वेन. ओके, देन वी हैव नर्व सप्लाई. मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई जो है वो है ऑब्टुरेटर नर्व. ऑब्टुरेटर नर्व अराइज फ्रॉम द लंबर प्लेक्सस, रूट वैल्यूज L2, L3 एंड L4. इट इमर्ज ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द सोर्स मसल विद इन द एब्डोमेन. मैंने इसकी डायग्राम आपको पहले दिखा दी थी और उसको बता भी दिया था कि कैसे जो है ना फेमरल नर्व निकल रही है और कैसे ऑब्टुरेटर नर्व निकल रही है और कैसे जो है उसकी रूट वैल्यूज आपको वहां नजर आ रही है. ठीक है, इट रन फॉरवर्ड ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, ठीक है, टू रीच द अपर पार्ट ऑफ द ऑब्टुरेटर फोरमेन तक ये रीच करेगी विद इट डिवाइड इनटू इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन. ये देख लें आप दोबारा से, ये वाली, ये, ठीक है, ये आपके पास आ जाती है फेमरल नर्व के साथ ही आपकी जो है ऑब्टुरेटर नर्व है. ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं. डिवाइड हो जाएगी ऑब्टुरेटर नर्व इन 28 पोस्टीरियर डिवीजन. ओके जी, एडक्टर कैनाल, एडक्टर कैनाल सब सार्टोरियल और हंटर्स कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरह के फेमरल ट्रायंगल आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो फेमरल ट्रायंगल के साथ साथ एडक्टर कैनाल भी उसी तरह अहमियत का हामिल है. ठीक है, और इसके जो है सब सार्टोरियल और हंटर कैनाल भी इसका एक और नाम है. ठीक है, द एडक्टर कैनाल इज एन इंटरमस्कुलर क्लेफ्ट या स्पेस. अब एडक्टर कैनाल जो है ना वो इंटरमस्कुलर क्लेफ्ट या स्पेस है, सिचुएटेड ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द थाई, यानी कि मीडियली मीडियल सरफेस पे, ठीक है, और थाई के मिडिल वन थर्ड में ये सार्टोरियस मसल के नीचे पड़ा है. मैं रिपीट करती हूँ, एडक्टर कैनाल इंटरमस्कुलर क्लेफ्ट या स्पेस है, सिचुएटेड ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द मिडिल वन थर्ड ऑफ द थाई, मीडियल एस्पेक्ट पे और थाई के मिडिल वन थर्ड में, बीनीथ द सार्टोरियस मसल के जस्ट नीचे. इट कमेंस अबव एट द एपिक्स ऑफ द फेमरल ट्रायंगल, से इसका ऊपर जो है वो ताल्लुक है फेमरल ट्रायंगल का, जहां पर एपिक्स बनता है वहां से, और एंड एंड्स बिलो एट द ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस, और अपने आप को एंड करता है जहां पर एडक्टर मैग्नस के अंदर ओपनिंग है नीचे. ऊपर इसका ताल्लुक, इसका कनेक्शन या एक्सटेंशन जो है जिसको हम कहते हैं फेमरल ट्रायंगल की एपिक्स तक है. वो बच्चा जो मुझसे कह रहा था कि फेमरल ट्रायंगल की एपिक्स को बता दें, मैं यहाँ दोबारा से बता देती हूँ. ठीक है, फेमरल ट्रायंगल की जो एपिक्स है बेटा, वो आपकी बाउंड्रीज जहां पर कंसाइड कर रही हैं या मीट कर रही हैं, जो लेटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय सार्टोरियस मसल एंड मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय एडक्टर लॉन्गस मसल. ठीक है, ये जहां पर आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं एपिक्स. अब ये एपिक्स ऑफ द फेमरल ट्रायंगल, ठीक है, ये बन गया. अब यहां से बात हो रही है एडक्टर्स कैनाल की. अब एडक्टर्स कैनाल की जो एक्सटेंशन है वो फेमरल ट्रायंगल के एपिक्स से लेकर कहां तक एक्सटेंड कर रहा है,
जहां पर अडक्टर मैग्नस में ओपनिंग है एंड एंड्स बिलो एट द ओपनिंग इन द अडक्टर मैग्नस. ठीक है, अब इसकी बाउंड्रीज जो हैं क्रॉस सेक्शन पे देखा जाए तो अडक्टस कैनाल ट्रायंगुलर इन शेप है, हैविंग एन एंट्रोमीडियल वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड लेटरल वॉल. इसकी तीन दीवारें एंट्रोमीडियल, चूंकि आपको पता है मीडियल साइड ऑफ द थाई पे बन रहा है उसके मिडल वन थर्ड में, तो एक इसकी बाउंड्री एंट्रोमीडियल है, एक पोस्टीरियर और एक लेटरल है. एंट्रोमीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सार्टोरियस मसल एंड फेशिया. एंट्रोमीडियल वॉल जो है ना सार्टोरियस मसल और फेशिया से बना रही है. ठीक है, पोस्टीरियर वॉल जो है अडक्टर लॉन्गस और मैग्नस, और लेटरल वॉल जो है ना वास्टस मीडियलिस से. ठीक है, अडक्टर कैनाल के जो कंटेंट है कौन कौन से हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. टर्मिनल पार्ट ऑफ द फेमरल आर्टरी, चूंकि आपको मैंने बताया कि फेमरल आर्टरी अडक्टर मैग्नस में जो ओपनिंग है उधर से पास करेगी. ठीक है, तो वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर हो जाएगी पॉपलीटियल स्पेस में, फिर इसका नाम फेमरल आर्टरी से पॉपलीटियल आर्टरी बन जाएगा. तो अडक्टर कैनाल के जो कंटेंट है वो टर्मिनल पार्ट ऑफ द फेमरल आर्टरी है, फेमरल वेन है, डीप लिम्फ वेसल है, सेफनस नर्व है, नर्व टू द वास्टस मीडियलिस एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ऑब्टुरेटर नर्व. ठीक है, नमोनिक बना लें तो ज्यादा ईजी है. अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अडक्टर मैग्नस में ओपनिंग है. ठीक है, और प्लीज जरा फोकस कर लें बच्चों. सारे सिकंदर मैं आपको प्रोफंडा वेन की जो है ना लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी दिखाई है प्रोफंडा वेन की. ठीक है, तो आप अगर नहीं भी टाइम मिलेगा तो प्लीज आप एटलस खोलें, आपके पास सबके पास एटलस है. ठीक है, तो उसमें से आप देख लें, और लास्ट में अगर टाइम होगा तो मैं प्लीज आपको उसमें दिखा दूंगी. हमारे पास अभी शॉर्ट ऑफ टाइम है तो हमने इसको टॉपिक को कवर करना है. ठीक है बेटा. अच्छा जी, अब ये देख रहे हैं कि चूंकि अडक्टर स्केनाल की बात हमने की तो मैंने कहा अडक्टर मैग्नस है ना उसमें आपके पास एक इंटरमस्कुलर क्लेफ्ट है या स्पेस है, उधर से वेसल जो ना पास करेंगी तो ये वेसल जो है वो इंटीरियर टू पोस्टीरियर हो जाएंगी. यानी कि पहले उसने अपनी जो पोजीशन थी वो इंटीरियर ली थी, उसके बाद वो पोस्टीरियर हो जाएंगे. आर्टरीज तो आपको पता है अपसाइड डाउन जाती हैं, मगर जो वेन्स हैं वो नीचे से ऊपर आ रही होती हैं. ठीक हो गया, तो अब आप देख सकते हैं कि अडक्टर मैग्नस में ओपनिंग है जिसको हम अडक्टर्स कैनाल सब सार्टोरियल हंटर्स कैनाल कहते हैं. ठीक है, इसमें फेमरल आर्टरी है. ठीक है, और उसके जो है देख सकते हैं आप कि ये फेमरल वेन नजर आ रही है. ठीक है, तो फेमरल वेन जो है ना ऊपर जाएगी और आर्टरी डाउनवर्ड्स जाएगी और इसी क्लेफ्ट में से गुजरेंगी. ठीक हो गया. अच्छा जी, आगे चलते हैं हम. अडक्टर्स हाइटस, द अडक्टर हाइटस इज एन ओपनिंग और गैप बिटवीन द एपोनेरोटिक डिस्टल अटैचमेंट ऑफ द अडक्टर पार्ट ऑफ द अडक्टर मैग्नस. यानी अडक्टर हाइटस एक ओपनिंग है या गैप है किसके दरमियान है, एपोनेरोटिक डिस्टल अटैचमेंट ऑफ द अडक्टर पार्ट ऑफ द अडक्टर मैग्नस. यानी अडक्टर मैग्नस के एपोनेरोटिक या डिस्टल अटैचमेंट में एक ओपनिंग है. ठीक है, द अडक्टर हाइटस ट्रांसमिट द फेमरल आर्टरी एंड वेन फ्रॉम द अडक्टर कैनाल. अब अडक्टर हाइटस जो है ना वो ट्रांसमिट करेगा, गुजारेगा फेमरल आर्टरी को वेन को अडक्टर कैनाल से थाई में. ठीक है, टू द पॉपलीटियल फॉसा, पोस्टीरियर टू द नी. ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, द ओपनिंग इज जस्ट सॉरी द ओपनिंग इज लोकेटेड जस्ट लेटरल एंड सुपीरियर टू द अडक्टर टूबर्कल ऑफ द फीमर. अब ये जो ओपनिंग है ये लेटरल है और सुपीरियर है फीमर के ऊपर, जो अडक्टर टूबर्कल है उसके जो है ना उससे उसके रेफरेंस से इनको इन्होंने आपको बताया. याद रहता तो ठीक है, गुड, एमसीक्यू रिलेटेड. ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके ये अडक्टर मैग्नस है. ठीक है, और ये सार्टोरियस मसल है. ठीक है, सार्टोरियस मसल के मैंने जस्ट कहा था कि नीचे आपका ये जो है सारा कुछ है. ठीक है, और ये वेसल्स जो हैं उसके स्लिट में से गुजरेंगी. ठीक है, अडक्टर हाइटिस के. ठीक है, और पॉपलीटियल वेसल बन जाएंगी. और ये अडक्टर टूबर्कल आप देख रहे हैं फीमर पे, उसके लेटरल और सुपीरियर ये वेसल्स की बात कर रहे हैं. यानी सॉरी, ये अडक्टर टूबर्कल फीमर के जो है ना ये अडक्टर हाइटिस की बात कर रहे हैं, जो ओपनिंग है अडक्टर मैग्नस के अंदर. तो इस हाइटिस की इन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई है कि अडक्टर टूबर्कल के ये हाइटिस लेटरल है और सुपीरियर है. ओके,
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये बी वाली जो फिगर है, ठीक है, उसमें मैंने कहा था कि ये ट्राइंगुलर इन शेप है। मीडियल एस्पेक्ट का ये जो है मिडिल वन थर्ड ऑफ द थाई में पड़ा है, ठीक है, ट्राइंगुलर इन शेप है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। उसकी बाउंड्रीज में सार्टोरियस है, ठीक है, फिर आपको अडक्टल लॉन्गस नजर आ रहा है और फिर वास्टस मीडियलिस नजर आ रहा है, ठीक हो गया। ये सारी की सारी बाउंड्रीज बना रहा है अडक्टर केनाल की, और उसके कंटेंट्स भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिए, ठीक है। इंटीरियर व्यू भी मैंने आपको बता दिया और इंफीरियर व्यू भी दिखा दिया मैंने इसका, और पोस्टीरियरली भी दिखा दिया, ठीक है। अच्छा जी, एक बच्चे की जो वो रह गई थी फेमरल वेन, वो भी हम देख लेते हैं और फिर हमारे टॉपिक का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फेमरल वेन, बेटा ये जो है वीनस जो डायग्राम है, ठीक है, इसको आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, सेव कर लें। अब प्रोफंडा फेमरस वेन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट के उसकी अब आप यहाँ पर डायग्राम में नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, तो अगर किसी को नज़र आ रही हो तो उसको मार्क करके जो है वो उस बच्ची को बता दे, मगर इसके डिस्क्रिप्शन में आपने यही बतानी है कि वो कॉरिस्पॉन्ड करती है प्रोफंडा फेमरस आर्टरी कॉरिस्पॉन्ड करती है उसकी ट्राइब्यूटरीज प्रोफंडा फेमरस वेन की, ठीक है। ये लिखने को आते हैं, इसकी डायग्राम वो ऐसा इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो फेमरल वेन है, सेफनेस वेन है, ग्रेट सेफनेस वेन है, ठीक है। बाकी जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक हो गया, बस फेमरल वेन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके चार्ट हैं टेबलेटेड फॉर्म में, जी सायरा, इतना इम्पोर्टेंट उस तरह नहीं है डायग्रामेटिक, ठीक है ना। तो चूंकि हम एमसीक्यू रिलेटेड भी सारे टॉपिक कवर कर रहे होते हैं ना, तो इस वजह से मैंने उसको भी स्किप नहीं किया, प्रोफंडा फेमरस वेन को, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो टैबलेटेड फॉर्म में आपके इंटीरियर एंड मीडियल फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स हैं, उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, रूट वैल्यू सब याद होने चाहिए आपको, ठीक है। और इसके अलावा कोई चीज़ आपको ना समझ आई तो वो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हमारा टाइम यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा और आपको कुछ समझना है तो बता दें, हमारे पास वी हैव ओनली 2 मिनट्स। तो आई होप यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी, तो प्लीज़ अब आप लोग बुक्स खोल लें और पढ़ना शुरू कर दें तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा सारा कुछ। और वैसे भी जैसे मैं आपको पहले बार बार बता रही हूँ कि बहुत आसान है लोअर लिम, बड़े बड़े मसल्स हैं, बड़ी बड़ी वेसल्स हैं, अपर लिम की तरह छोटी छोटी चीज़ें और बहुत वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत मतलब मसल्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजी है, वेसल्स की भी, ठीक है। हमारा जो है वो कोट ऑफ द डे है, यू ओनली लिव वंस बट इफ़ यू डू इट राइट वंस इज इनफ, ठीक है। इसी तरह आप ग्रो करते हैं जैसे एक प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाते हैं आप लोग। और कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।